नमस्कार, मैं जहांगीर आलम। आप देख रहे हैं गोल्ड फिल्म मिरर, हर पल आपके साथ। दोस्तों, सदियों पूर्व से लेकर वर्तमान तक में देखा जाता है कि लोग धर्म के प्रति काफ़ी सजग रहते हैं, जिसका फायदा भी राजनीतिक दलों द्वारा आसानी से उठा लिया जाता है। लेकिन कुछ संस्थाएं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मानव सेवा के प्रति समर्पण को ही अपना धर्म मानते हैं। चूंकि मानव ईश्वर रचित है और धर्म मानव रचित। तो दोस्तों, आज संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन कुल्टी शाखा द्वारा टोला स्थित संत निरंकारी सत्संग भवन परिसर में एक बड़े पैमाने पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जहाँ पे संस्था के सदस्यों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस दौरान मानव सेवा और मानवता के बारे में काफ़ी विस्तार से जानकारी दी गई। तो आइए चलते हैं और हम लोग भी इस रक्तदान शिविर के साथ सत्संग में शामिल होते हैं और जानते हैं कि मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। ये प्रसन्न हो पाते हैं, सभी चार से गुरु का आशीर्वाद का पात्र भी बन पाते हैं, क्योंकि चार बाबा जी अक्सर अपने विचारों में कहा करते थे कि एक आप करेंगे थे फिर ये ब्लड फुलफिल हो जाता है, लेकिन आपका एक कतरा खून, एक बूंद किसी की जान बचाता है। किसका ब्लड है? किसी पंजाबी का है या बिहारी का है, मुस्लिम का है, किसका है? उसे रक्त की जरूरत होती है, वो रक्त से उनका जान बचता है। और ये रक्त हम लोगों को देकर बहुत बड़ा एक पुण्य का एहसास भी होता है। तो ये प्रोग्राम जो हो रहा है बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे ढंग से हो रहा है। मेरे जितने भी सेवादार से मैं मिला और कैंप में जितने भी टीम है, सराहनीय काम कर रही है। बहुत सत्संग करनी है, हर तरह से सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी ने अपने कर्मों से हमें सिखा गए शासन, और हम लोगों को प्यार ही प्यार दे गए। और साथ ही में उनके प्यार के विषय में अगर कहूँ तो शब्द कम है, क्योंकि उन्होंने जो हम सबको दिया है शासन जी, बहुत कुछ मिला है हम सबको उनके प्यार से। सासंगत, उनके इश्क में एक बात याद आती है, वो कुछ लाइनें याद आती है कि तेरा इश्क मेरी इबादत है, तेरा जिक्र मेरी जिंदगी, तू ख्यालों में रहता है इश्क इस तरह जैसे दिल की धड़कन चल रही, तेरा नूर नजर आता है ऐ कादर तेरी कुदरत में, तेरे महक हर जर्रे से रूह तक फैली हुई। सासंग जी, बाबा हरदेव सिंह जी का जितना भी हम जिक्र करें कम होता है सासंग जी, उनका नूर हर एक जर्रे में नजर आता है सासंग जी, और हर एक रूह में फैला हुआ है। आओ सासंग जी, आप सभी संत आशीर्वाद दें दासी को कि जिस तरह से बाबा हरदेव सिंह जी हम सबको बनाना चाहते थे, जो सासंग जी कहीं ना कहीं हमें कमियां रह गई थी, कहीं ना कहीं हमें त्रुटियां रह गई थी, आप जी दासी को आशीर्वाद करो कि वो कमियां पूरी हो सासंग जी। और जिस तरह से सतगुरु माता जी आज हम सबको बनाना चाहते हैं, जिस तरह से आदेश देते हैं, बस उसी आदेशों का पालन करें सासंग जी, कोई चालाकियां कोई चतुराइयां ना करें। और इसी चालाकियां चतुराइयां पर एक बात याद आती है, वो माइक वाले महात्मा विवेक श्लोक जी की वो बात कि कहते हैं कि जब हम माइक में खड़े होकर बोलते हैं तो जब माइक अपनी टी टी करने लग जाती है, कुछ आवाज आने लग जाती है, तो हमारी आवाज को सुनना कोई पसंद नहीं करता है। सासंग जी, बिल्कुल हम वैसे ही माइक बन जाए कि हम अपनी टी टी ना करें, बल्कि सासंग जी जो सतगुरु कहे वही हम करें, ताकि हमारी बातें सभी को अच्छी लगे और हमारे कर्म भी सभी को अच्छी लगे। सासंग जी, और सासंग जी हम अपनी मनमानियां ना करें सासंग जी, दासी
कोई उपदेशक नहीं सासी में जी, बस दासी अपने लिए ही आशीर्वाद की कामना करती है कि आप जी ऐसा आशीर्वाद करो कि दासी वो माइक बन पाए, कि अपनी कोई चालाकियां चतुराइयां ना करे, बल्कि जो सदगुरु बाबा जी, जो सदगुरु माता जी चाहते हैं वही। और दासी कुछ शब्दों में कोई त्रुटि हो गई होगी तो आप सभी संतों से क्षमा प्रार्थी है जी, सासी में जी दासी को बख्श लेना जी, सासी में जी प्यार से कहना। दो बातें याद आ गई, अभी उन्होंने अपने विचार में बहुत अच्छी बात कही कि दो चीजें होती हैं, एक शरीर और एक आत्मा। अगर आत्मा शरीर के अंदर है तो वो जीवित, अगर उसमें से आत्मा निकल जाए तो वो तुरंत मृत घोषित कर दिया जाता है। तो शरीर के लिए क्या चाहिए होता है? शरीर को स्वस्थ रखने के लिए खाना पीना, शरीर की खुराक होती है, साफ सफाई, अच्छे कपड़े। लेकिन आत्मा की क्या खुराक होती है? आत्मा को जिंदा रखने के लिए क्या चाहिए होता है? तो सत्संग जी, आत्मा की खुराक ये संगत होती है। सत्संग जी कहा भी जाता है, पढ़ा भी है, सुना भी है, राम भुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, जो सुख साथ संग में वो बेकुंठ ना होए। कि सत्संग जी जो सुख, जो आनंद इन महापुरुषों के चरणों में मिलता है वो सुख बैकुंठ में भी नहीं है। सत्संग जी कहने को तो हम बहुत सारी सेवाएं करते हैं। कल दास बाबा जी के विचार सुन रहा था कि समर्पण भाव होता क्या है। कई बार हम सेवा के हिसाब से अपनी वर्दियां चूज करते हैं कि अगर ये सेवा के लिए तो सबसे पहले वहाँ पे एक ज्ञान दिया जाता है जो हमें प्रेरित करता है कि इस निरंकार से पहले जुड़ना, क्योंकि जितने भी इंसान होते हैं सभी इस निरंकार के, इस भगवान के बच्चे होते हैं। तो सबसे पहले यही सिखाया जाता है कि एक दूसरे से यूनिटी बनाते रहते हैं, जो हम कहते हैं वो वनडे से भी एकता होती है हम सभी में। तो सबसे पहले उस चीज़ की प्रेरणा यहाँ दी जाती है कि हमें मिलकर कैसे रहना, उसके बाद ही सेवा की भावना उसमें जगाई जाती है कि आपको किस प्रकार से सेवा करनी है। यंग जनरेशन है वो जो मोबाइल चला रहे हैं, अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज है आपको? उनके लिए यही मैसेज है कि जी हाँ, मोबाइल तो जरूरी है सभी को, ताकि हम बाहर का कॉन्टेक्ट तो कर सकते हैं, लेकिन हमारे लिए एक सोशल लाइफ जो होती है, हमें सेवा करना, हर एक को मदद करना, क्योंकि ये एक समर टाइम है ना, अगर आप किसी को हेल्प करोगे तो एक तरह से सेवा की भावना आ गई कि हम किसी की मदद करें, कोई प्यासे इंसान को हेल्प करना, उस तरह की भावना यहाँ जगाई जाती है। तो न्यू जनरेशन के लिए यही मैसेज है मेरी तरफ से कि आप इस सत्संग से, जो निरंकारी मिशन है, आप एक बार जुड़ कर देखो। आप सभी बच्चे, आप यहाँ देख रहे हैं जितने भी बच्चे, जिस तरह इन्हें आनंद मिलता है, बहुत खुशी मिलती है, उसी तरह सभी को भी मिलेगी। चलो बढ़िया। आपका क्या नाम हुआ बेटा? हेमादास। हेमादास, आप पढ़ते हो, कौन क्लास में हो? ये कॉलेज बी ए सेकेंड ईयर। फ्यूचर में तुम क्या बनना है? टीचर। टीचर बनना। आप जब यहाँ जुड़े हो, जुड़ कर कैसा लग रहा आपको? बहुत ही खुशी महसूस होती है। मैं बचपन से ही जुड़ी हूँ, मम्मी पापा भी जुड़े हुए हैं, बचपन से ही हम सत्संग करते हैं, बहुत ही आनंद मिलता है, बहुत सुख मिलता है।